हम ग्रेजुएशन के तौर पे बहुत सारे कोर्स करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इटसेट्रा। पर हम ये नहीं सोचते कि क्या इन कोर्सेज को करने के बाद कोई करियर ऑप्शन या फिर कोई जॉब स्कोप है भी कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जलज गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं या फिर किस प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज में हम काम कर सकते हैं। अगर आप बीएससी के बाद फिजिक्स के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो या फिर फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चेज करना चाहते हो, तो आप बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस, और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो। हमारे इंडिया में बहुत से बेहतर इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एमएससी का कोर्स कर सकते हो, लेकिन इन बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। जैसे मैं पहला आईआईटी जैम, जिसको आप बोलते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, दूसरा नेक्स्ट यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, तीसरा जेस्ट यानी ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, चौथा वॉट उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पांचवा टीफर यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, छठा आईसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होंगे आपके, मतलब आप इनमें से किसी एक को भी, जैसे आईआईटी जैम का अगर आप एग्ज़ाम देते हो और आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप एक अच्छा से अच्छा कॉलेज पा सकोगे, या फिर आप मान लो कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम देते हो, अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो तो अच्छा से अच्छा कॉलेज आप पा जाओगे और वहाँ से एक बेहतर पढ़ाई आपको मिलेगी। या फिर टिफर या फिर वाट, अगर इन सब के एग्ज़ाम भी आप देते हो तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज पा सकोगे। और इसके अलावा कुछ अदर प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जहाँ से आप एमएससी का कोर्स कर सकते हो, और वहाँ पर भी मैक्सिमम कॉलेजेज में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और भी कुछ ऐसे कॉलेजेज होते हैं जहाँ पे आप बीएससी के केवल मेरिट पे आपका एमएससी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आईआईटी जैम, नेस्ट, जेस्ट और टीफर आईसर का कुछ बात ही अलग होता है। अगर आप इनके थ्रू, इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यानी आईआईटी जैम, नेक्स्ट, जेस्ट, इनके थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो इनकी बात ही कुछ अलग होती है। बाकी अदर जो आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उसके जरिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कुछ में एंट्रेंस होता है और कुछ में नहीं भी होता है। तो अब हम बात करते हैं बीएससी के बाद करियर ऑप्शन और जॉब स्कोप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बीएससी फिजिक्स के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और कंपनीज हैं जहाँ पे आप बीएससी फिजिक्स कोर्स करने के बाद जॉब कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, तीसरा शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, चौथा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, पांचवा न्यूक्लियर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली, छठा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क, सातवां ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, आठवां भाभा हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, और नौवां नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC। ये सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनीज या इंस्टीट्यूट बोल सकते हो जहाँ पे आप बीएससी फिजिक्स कोर्स करने के बाद जॉब कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट हैं और वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो, लेकिन इन सारे के सारे कंपनीज में
जॉब करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि दो फेज़ में भी हो सकते हैं और सिंगल फेज़ में भी हो सकते हैं। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एग्ज़ाम कराने का ढंग। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज, ऐसे कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज या इंस्टीट्यूट हैं जहां पे हम बीएससी फिजिक्स करने के बाद जॉब कर सकते हैं। सो यहां पे कुछ कंपनीज हैं, जैसे में पहला TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरा एनालॉग डिवाइसेस, तीसरा GE डिजिटल, चौथा एटॉमिक लैब्स, पांचवा टेस्ला, छठा सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और सातवां नासा। सो ये सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में है, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो, जॉब के लिए एलिजिबल हो वहाँ पे आप। बस रह गई एक बात कि वहाँ पे आपको कुछ न कुछ अपना हुनर दिखाना पड़ेगा, कुछ न कुछ टैलेंट दिखाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ न कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे आपको। दो से तीन भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, एक भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, वो आपके कंपनी पे डिपेंड करता है। अब अगर आपको एक लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए बीएससी के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा, तभी आप एक लेक्चरर या प्रोफेसर बन पाओगे और फिर जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप पढ़ाने के लायक बन पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ऐसे वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही ऐसे स्टडी मटेरियल को पाने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि बीएससी और साथ ही साथ 12th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बने रहें हमारे वीडियो में, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सोच के साथ, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो उसे भी ज़रूर दें। सो आज के लिए बस नमस्कार।